आप देख रहे हैं गाजीपुर स्कूप का 10 कदम। चलिए शुरू करते हैं गाजीपुर की 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दिखा रफ्तार का कहर, चांदपुर के पास फॉर्चुनर ने बाइक को मारी टक्कर, दो की मौत एक घायल। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के भावरकोल थाना क्षेत्र में नवनिर्मित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर आज देखने को मिला। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार फॉर्चुनर ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, उसमें आग भी लग गई और सवार तीनों युवकों में दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें कि पखनपुरा गांव निवासी गोलू पुत्र अनीश 19 वर्ष एवं उसका सगा भाई दानिश 18 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक पर सवार तीसरा सद्दाम पुत्र नसीम, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं फॉर्चुनर सवार लखनऊ से भावरकोल आ रहा था। सैदपुर पुलिस ने औडिहार रेलवे क्रॉसिंग के पास से अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाले एक युवक को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां सैदपुर पुलिस ने अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाले तस्कर को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया। कोतवाल तेज बहादुर सिंह SI DK ओझा के साथ चेकिंग कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि औडिहार रेलवे क्रॉसिंग पर एक तस्कर है, जिसके बाद पुलिस टीम ने उसे धर दबोचा और थाने ले आया गया। तलाशी में बैग के अंदर रखा अवैध गांजा बरामद हुआ। उसने अपना नाम जौनपुर के चंदवक स्थित सतमिश्रा निवासी राजेश चौहान पुत्र छेदी चौहान बताया। साथ ही उसने बताया कि वह गांजे की तस्करी करता है, जिसके बाद उसे संबंधित धारा में जेल भेज दिया गया। घटारो गांव निवासी सेना के जवान की श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान हुई मौत, घर में मचा कोहराम। खबर जखनिया के घटारो गांव से है, जहां घटारो गांव निवासी 36 वर्षीय सेना के जवान धीरेन्द्र यादव की श्रीनगर में ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। बता दें कि हवलदार MC को रेजिमेंट श्रीनगर में धीरेन्द्र यादव कार्यरत ड्यूटी के दौरान 11:30 बजे हार्ट अटैक आने की वजह से मौत हो गई। इनके दो बच्चे, एक बच्ची है जिसकी उम्र 3 और 7 वर्ष की है। धीरेन्द्र की शादी 2009 में मुड़ियारी गांव में हुई थी। फिलहाल मौत की सूचना पाकर घर के परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। गिरोह बनाकर हत्या करने वाले 7 अपराधियों के खिलाफ जमानिया कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज किया मुकदमा। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संपूर्णानंद राय ने बताया कि बीते 17 मार्च को कोतवाली क्षेत्र के लोहाड़ी शहीद मजार के पास बाइक से धूल उड़ने की बात को लेकर कुछ लोगों ने राजा बिंद की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके क्रम में शनिवार की रात 9:45 बजे उक्त घटना में शामिल 7 अभियुक्तों 29 वर्षीय लालू यादव पुत्र घुरहु यादव निवासी हरपुर जमानिया, 26 वर्षीय अरुण यादव पुत्र ओमकार यादव, 24 वर्षीय सदानंद यादव पुत्र बुझारत यादव, 33 वर्षीय शिव कुशवाहा पुत्र रामदयाल, 26 वर्षीय विकास यादव पुत्र महेंद्र यादव, 26 वर्षीय प्रिंस यादव पुत्र ब्रिजमोहन यादव निवासी हरपुर थाना जमानिया तथा 30 वर्षीय भंटू उर्फ धर्मेंद्र सिंह यादव पुत्र नंदू यादव निवासी कालनपुर खितिपुर थाना जमानिया के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल अभियुक्त लालू यादव के खिलाफ चंदौली जनपद के अलीनगर सहित जमानिया कोतवाली में भी कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गाजीपुर के छावनी लाइन में रिक्रूट महिला आरक्षियों को SP ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिलाई एकता और अखंडता की शपथ। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया। गाजीपुर पुलिस लाइन में भी इसका आयोजन किया गया। इस दौरान गाजीपुर पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही रिक्रूट महिला आरक्षियों को राष्ट्र के प्रति एकता और अखंडता की शपथ गाजीपुर SP रामबदन सिंह ने दिलवाई। सैदपुर के मलिकपुर गांव में घर के बाहर टहल रहे एक युवक को सांप ने डसा, हालत गंभीर। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां सैदपुर में घर के बाहर टहल रहे एक युवक को सांप ने डस लिया। बता दें कि सैदपुर थाना क्षेत्र के मलिकपुर गांव में अपने ही घर के बाहर टहल रहे गांव निवासी मंतोष उम्र 40 वर्ष पुत्र रमेश को सांप ने डस लिया। सांप के डसने के बाद मंतोष की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद परिजन आनंद फानंद में उसे लेकर सैदपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी जमानिया मनोज कुमार का हुआ तबादला, कर्मचारियों व कुटदारों ने दी विदाई। खबर जमानिया से है, जहां शासन के निर्देशानुसार
आपूर्ति विभाग जमानिया पर तैनात क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मनोज कुमार का तबादला कासिमाबाद के लिए कर दिया गया है, जिसके क्रम में शनिवार को आपूर्ति कार्यालय पर SDM भारत भार्गव और नायब तहसीलदार की उपस्थिति में विदाई समारोह का आयोजन कर कार्यालय के कर्मचारियों व कोटेदारों ने फूलमाला पहनाकर व स्मृति चिन्ह देकर उन्हें विदाई दी। बता दें कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मनोज कुमार का कार्यकाल जमानिया में 3 साल से ज्यादा समय तक रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए उनका तबादला कासिमाबाद के लिए कर दिया गया है। अब इनके जगह पर अमित यादव आपूर्ति निरीक्षक जमानिया के पद पर तैनात होंगे। गाजीपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का पुलिस लाइन से हुआ शुभारंभ। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वें जन्म दिवस पर गाजीपुर पुलिस लाइन से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए लोगों को संदेश देने के बाबत यह दौड़ आयोजित की गई। इस दौड़ में SP रामबदन सिंह और DM मंगला प्रसाद सिंह मौजूद रहे। बता दें कि प्रशिक्षण प्राप्त कर रही रिक्रूट महिला आरक्षियों ने भी इस दौड़ में भाग लिया। इस दौड़ का रूट पुलिस लाइन गाजीपुर से प्रारंभ होकर PG कॉलेज चौराहा, पुलिस अधीक्षक आवास, विकास भवन चौराहा, सिंचाई विभाग चौराहा, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जिलाधिकारी आवास, विकास भवन, PG कॉलेज चौराहे होते हुए वापस पुलिस लाइन लौटा। सादात रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटकर अधेड़ की हुई मौत, क्षेत्र में मची सनसनी। खबर सादात से है, जहां सादात रेलवे लाइन पर ट्रेन से कटकर अधेड़ की मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही क्षेत्र के लोगों में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची शादियाबाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शादियाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रेन से कटकर मरे अधेड़ के शव का शिनाख्त नहीं हो पाया है, फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेजा जा चुका है। सेवराई तहसील क्षेत्र के नहर में पानी चलाए जाने के कारण किसानों की फसलें बर्बाद होने के कगार पर पहुंच गई हैं। गौरतलब हो कि चौधरी चरण सिंह पंप कैनाल जमानिया से कर्मनासा के तटवर्ती गांव तक खेतों की सिंचाई हेतु किसान एकमात्र इसी नहर पर आश्रित हैं। वर्तमान समय में धान की कटाई शुरू हो गई है, वहीं कुछ किसानों के धान पक कर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अभी खेतों को पानी की कोई आवश्यकता नहीं है। बावजूद इसके नहर में पूरी तरह से पानी भरे होने के कारण किसानों के खेतों में पानी जा रहा है। गामर गांव निवासी पूर्व ग्राम प्रधान एवं वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली कुशवाहा ने बताया कि इस समय किसानों की फसल पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है, ऐसे में पानी फसल को बर्बाद कर सकता है। उन्होंने मामले को उच्च अधिकारियों का संज्ञान में लेते हुए जल्द से जल्द नहर में पानी के बहाव को बंद करने की मांग की है। हर दिन गाजीपुर की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए आपके अपने चैनल गाजीपुर स्कूप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।